तौबा है, इतनी गर्मी हो रही है, बताओ। शेरी, शेरी बेटा, शेरी, शेरी क्या हो गया अब्बा? इतनी देर से बाप आवाज दे रहा है, मोबाइल में घुसे हुए। इतनी अच्छी मूवी देख रहा हूँ। आनंद भेजो मूवी पे, जाओ जाके पानी लेकर आओ मेरे लिए। ओ भाई खुद पी लो। शेरी पूरा बाप बाहर से आया है, उसको पानी लाके पिलाने के बजाय आगे से जबान चला रहे हो, नाफरमानी कर रहे हो। अरे भाई टांगे है ना, टांगे तो नहीं टूटी ना, तो पी ले जाके। उठ रहो या मैं उठ जाऊँ? हाँ, एक काम करो आप भी उठो। रुकैया, उस्मा, सुल्तान, बैरोस, फिरोज, कहाँ हो सब लोग? जल्दी आओ, जल्दी आओ सब लोग, कहाँ हो तुम लोग? अरे पापा, ये आप दोनों ने मिलके क्या मछली मसाला घर में लगा हुआ है? सर्दियों में सुबह सुबह उठा देते जल्दी। जब मैं सुकून से नहीं रह रहा तो मैं किसी और को भी सुकून से रहने नहीं दूंगा। अरे क्या हो गया अशु, क्यों बुला लिया हमें यहाँ पे? मैं आज एक बहुत बड़ा फैसला करने वाला हूँ, इसलिए तुम सबको बुलाया था कि तुम सब लोग गवा रहो। क्या बड़ा फैसला? मैं शहरी को अपनी जायदाद से आग करता हूँ। अरे कौन सी जायदाद, किराए के घर में रहते और कह रहे जायदाद से आग करता हूँ? मेरा मतलब है कि मैं शहरी से खाता ताल्लुक करता हूँ, लातालुकी का ऐलान करता हूँ। ऐसा क्या कर दिया इसने? मैं नहीं बता सकता इसने ऐसा क्या किया है। जब बता नहीं सकते तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? कहीं पागल तो नहीं हो गया? मेरा मतलब है कि इसने नाफरमानी की है मेरी। क्या नाफरमानी की है? मैंने इससे कहा पानी लेकर आओ तो कह रहा है खुद पी ले। अरे बस इतनी सी बात, मैं भी तो पानी खुद पीता हूँ। खुद पीता ना बेबी, बेबी खुद पीता हूँ ना। तुम भी निकलो शरी के साथ यहाँ। अरे शरी भाई, आपको पता है आपने बहुत बड़ा गुनाह किया, पापा के चरणों में गिर जाए, माफी मांगे। माफ कर दे, माफ कर दे। नहीं नहीं नहीं, अब माफी मांगने का वक्त गुजर चुका है, पानी सर से ऊपर हो चुका है। सुल्तान, सबसे पहले अखबार में इश्तिहार दो कि अशमतुद्दीन ने शहरी से लातालुकी का ऐलान कर दिया। कौन से अखबार में? अरे जिस भी अखबार में दे सकते हो दे दो, बल्कि मैं तो कह दो केबल पे टिकट चला दो कि अशमत आग शहरी। नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं, आजकल आपको पता सोशलाइजेशन का दौर है, हम फेसबुक पर एड डालेंगे, वहां बूस्ट कराएंगे, आप देखना बहुत व्यूज आएंगे, बहुत व्यूज आएंगे। क्या आइडिया है, अबे केक बेच रहे हैं, बूस्ट लगाएंगे, आग कर रहे हैं हम इसे। ये बताने के लिए बुलाया है आपने? नहीं नहीं, प्राइस बॉन्ड के नंबर बताने के लिए बुलाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लो। अरे हशु, गुस्सा थूक दे, माफ कर दे मेरी खातिर। तू भी निकल, अब तू भी बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे। जा मेरे बच्चे, अल्लाह तेरा निगेबान, दुआओं में याद रखूंगी मैं तुझे। और किसी को रहम खाना है, तरस खाना है तो अभी बता दे। वैसे इतनी बड़ी बात नहीं जिस पे आप इसे घर से बाहर निकाल रहे। इससे भी छोटी बात पे तुम्हारे शौहर को निकाल सकता हूँ, समझा? आपकी बीवी को मेरा दिमाग नहीं घुमाइए। और तू अभी तक देख रहा है, निकल यहाँ से, निकल। हाँ जा रहा हूँ। देख रहे हो एटीट्यूड देख रहे हो तुम इसको? अरे अस्पताल से उठा के लाया था, नंगा था, जिसमें कपड़े नहीं थे इसके, हमने दिए कपड़े। पापा सब नंगे तो थे। अरे हम बोरी भी पहना सकते थे, लेकिन हमने कपड़े पहनाए, हमने रोटी खिलाई, पाल पोस के बड़ा किया, आज भैया आगे दिखा रहा आराम को। तो एहसान थोड़ी करा, ये तो हर बाप का फर्ज है, अगर तुमने कर दिया तो क्या हो गया इसमें? अरे इससे अच्छा हम कुत्ते का बच्चा पाल लेते, कम से कम वफादार तो होता। अरे सांप है, आस्तीन का सांप, सपोला है, जिस थाली में खाता उसमें छेद कर रहा। अरे मेरे पास तो अल्फाज खत्म हो गए, और कितनी जबान गंदी कराएगा मेरी, निकल यहाँ से। पापा वो मेरा भाई, मेरा खून है, मुझे पर से एहसान कर दे, एक कंबल तो ला कर दे रहे थे, बेचारा सर्दियों में कहाँ जाएगा? एक नहीं दो ब्लैंकेट लेगा। दो कंबल क्यों लाऊं, क्यों लाऊं? तू भी तो रहेगा इसके साथ। आइए शेरी, मैं आपको टैक्सी करवा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है भिखारियों को टैक्सी कराने की, रोटी खाने के पैसे नहीं, टैक्सी कराओगे। अरे सिलानी वेलफेयर में जाके खाना मांगेगा ना, वो भी ताना मारेंगे कि हट्टे कट्टे हो कमा के खाओ, लेकिन इन बेगैरतों को शर्म नहीं आएगी, तब याद आएगा कि बूढ़े बाप को एक ग्लास पानी पिलाए थे तो क्या चला जाता। निकल। अरे बल्कि मैं तो कह दो तलाशी ले, इसके पास जो पैसे वो भी निकाल ले, इसके कपड़े उतार, कपड़े भी हमने दिए हैं। अरे ये ज्यादा ज्यादती हो जाएगी। तू कह रहा है तो छोड़ देता हूँ, क्या एहसान किया तुझ पे, रख ले कपड़े और जी अपनी जिंदगी, निकल। अरे निकल यहाँ से, निकल। अरे जाना स्लो मोशन के लाज, स्टार प्लस की तरह मुड़ मुड़ के देख रहा, कोई नहीं रोकेगा तुझे, जा यहाँ से, जा चल। और तू रुक यहीं पर, इनसे भाई के जा रहे ऐसे ऐसे करके, चल निकल यहाँ से, निकल। और तुम लोग यहाँ खड़े हो क्यों, तमाशा लगा रहे हो, जाओ अंदर। हम तमाशा लगाते? अरे भाई मुंह से निकल गया हमारे, जाओ भाई सर पे खड़े हुए आप लोग, जाओ। दिमाग खराब, और पानी लेकर आओ फिरोज, तुम एक पानी का गिलास मांगा था, दिमाग खराब करके रख दिया। और ये केबल क्यों नहीं आ रहा, बेरोज केबल वाले को फोन करो। अभी करता हूँ। अरे अस्पताल से उठा के लाए थे, नंगा था, जिसमें कपड़े नहीं थे इसके, हमने दिए कपड़े। अरे ऐसे अच्छा हम कुत्ते का बच्चा पाल लेते, कम से कम वफादार तो होता। अरे सांप है, आस्तीन का सांप, सपोला है, जिस थाली में खाता उसमें छेद कर रहा। अरे मेरे पास तो अल्फाज खत्म हो गए, और कितनी जबान गंदी करा रहा, मेरी निकल यहां से। अरे भैया मैं तो कह दो तलाशी ले, इसके पास जो पैसे वो भी निकाल ले, इसके कपड़े उतार, कपड़े भी हम लेते हैं।
अरे यार पैर तो अपने अंदर कीजिए यार। अरे यार मैं कोई पिछड़ पैरी हूँ क्या तो बर्फ पे जाके वॉक करें। अरे सुल्तान लड़ना बंद कर। यार मैं तो दिमाग खराब हो गया अशु का, दिन ब दिन देखो जरा जवान औलाद को निकाल दिया घर से, वो भी जरा उसी बात पे। मुझे पता है उन्हें क्या हुआ है। क्या हुआ है मुझे पता है क्या हुआ है। अरे भाभी आपको नहीं पता, वो बाबूजी की तरह सारा दिन नेशनल ज्योग्राफिक पर वाइल्ड लाइफ देखते थे, कैसे शहर मासूम हिरण को चीर फाड़ कर देता है। अरे लेकिन उन्होंने शहर को चीरा फाड़ा नहीं है, घर से बाहर निकाला है भाई। बेबी तुम्हें जंगल का कानून नहीं पता, एक वक्त में जंगल में एक ही शेर रहता है और जब नया शेर आता है वो पुराने शेर के बच्चे को मार देता है। अरे यार अजीब बात कर रहे हैं यार, वो उनकी अपनी औलाद है, इस हिसाब से तुम्हारी मिसाल गलत साबित हुई। अरे हशु की तो कोई मिसाल ही नहीं है, वो तो बेमिसाल है। अम्मा आप अपने हशु की तारीफ कर रही हैं या बुराई कर रही हैं, पहले ये डिसाइड कर लें। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा घर में क्या माहौल बना हुआ है, जवान जहान लड़के घर से निकाल दिया, कुछ उल्टा सीधा बात कर बैठेगा तो सब भुगतना तो हमें पड़ेगा ना, जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर आएगी ना, अब मेरे खाने में हर बार कालू का थोड़ी निकल आएंगे। अरे शादी की उम्र थी उसे लेके घर से बाहर कर दिया। तो वो करते भी तो कुछ नहीं थे, कैसे शादी कराते। तो तुम क्या करते हो। हाँ तो बहुत ऑफिस जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े काम करता हूँ, मेरे कंधों पर तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बेबी का ख्याल रखता हूँ, मंडे को उसके कपड़े धोता हूँ, ट्यूजडे को उसके कपड़े प्रेस करता हूँ। अच्छा अच्छा बस 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 अपनी जन मुरीदी के किस्से मत सुनाओ प्लीज। हाँ मुझे पता जेलिस हो रही है आप जेलिस हो रही है, सुल्तान भाई आपके इतने नाज रखे थोड़े उठाते हैं। मुझे ना सुल्तान इतने पैसे दे देते कि इन सब कामों के लिए मुझे सुल्तान की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाजी बस अब आपने बहुत गलत बात कर दिया, अब बहरोज को पैसों का ताना कैसे मार सकती है। बिस्मा शुरुआत तुम्हारे बहरोज ने की थी भाई। अरे बस कर दो तुम दोनों, मुझे शहरी की फिक्र हो रही है, हर्षू की फिक्र हो रही है और तुम आपस के झगड़ों से ही नहीं निमट रहे। सावन जाए तुझको अशरफ भाई तुझको पुकारे गीत अशरफ भाई। अशरफ क्या हुआ आनी रे। बुड्ढा सोया हुआ लगता, नींद की गोली खा के। घड़ी घड़ी बेल बजा रहा, बकवास कर रहे क्यों है। अरे क्या हो गया अशरफ भाई, तुमने तो फोन करके बुलाया था दस्ती आओ। बुलाया था पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया, चलो यहाँ से, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। अजीब है बंदा, अपने काम से जा रहा था आपके फोन पे आ गया, इज्जत देने के बजाय जलील करके भगा रहे हो यार। चलो भाई बिला वजह बहाने बना के आ जाते, हमने नहीं बुलाया, चलो यहाँ से जाओ। अच्छा वो शेरी को भेज दो यार। अरे शेरी से याद आया, शेरी के लिए तो बुलाया था। देखा अशरफ भाई मैं कहता हूँ आप बुढ़े हो गए, सतक गए हो। खराब जा जाके ढूंढो शेरी को। क्यों अगवा हो गया क्या। अरे नहीं नहीं उसे कौन अगवा करेगा, तो चला गया भाग गया। अरे नहीं नहीं भागा नहीं, मैंने असल में जरा गुस्से में आके उसे डांट के घर से निकाल दिया था, तो देखो यहीं कहीं होगा। अरे क्या अशरफ भाई जवान औलाद को मत डांटा करो, ये वो टाइम नहीं रहा कि जवान औलाद डांट खाने के बाद चारपाई के नीचे घुस जाएगी। ढूंढो उसे, देखो चाय के होटल पे होगा या फिर किसी वीडियो गेम की दुकान पर। वीडियो गेम। अरे भाई वीडियो गेम की दुकान बचपन में जब भी निकालता था ना तो वहाँ जाके खड़ा हो जाता था, कोई ना कोई मुफ्त का टोकन दिला देता था बच्चे को। अरे अशमत भाई वीडियो गेम के जमाने, बच्चे टायर चलाने कंचे खेलने वाले टाइम चले गए, वो टाइम नहीं था। अरे भाई आसपास ही होगा, जेब में किराया नहीं था, ज्यादा दूर नहीं जा सकता, किसी फुटपाथ पे पड़ा हुआ लेटा होगा। और फुटपाथ पे नहीं हुआ तो एक काम करता, अब्बासी सही सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल इनकी इमरजेंसी देख लेना, कोई ना कोई जख्मी आया हुआ हो। और यहाँ भी नहीं हुआ तो। यहाँ नहीं हुआ तो एक ही जगह है एडी सेंटर का मुर्दा खाना, वहाँ तो कंफर्म लाश पहुंचेगी। वहाँ भी नहीं हुआ फिर। फिर हम इंतजार करेंगे कि कोई बोरी मिल जाए जिसमें नामालूम लाश हो, फिर जाके हम शनाख्त कर लेंगे। अरे अशरफ भाई बोरियों के जमाने चले गए, अब बोरियों से सिर्फ आलू और प्याज निकलती है। अरे भाई ये भी नहीं मिला तो जिब्रान नासिर को ले आना। जिब्रान नासिर को रबड़ी वाला। अरे नहीं नहीं वकील है, अल्लाह पता लोगों के केस देता, हमारे शहरी का केस भी ले लेगा। अच्छा तो पहले इसी को ना ले आओ, पहले जाके जिब्रान को ढूंढेंगे, दिमाग खराब जाओ जाके लेकर आओ। लेकिन मुझे क्या मिलेगा। अरे तुम्हें तो बहुत कुछ मिलने वाला, बोलो तो एडवांस कर दो। कर दो तो मेहरबानी होगी। नहीं नहीं फुल पेमेंट कर दूं। नहीं एडवांस से गुजारा हो जाएगा, शाम तक जा रहा हूँ। अच्छी की तरह सामान चलती है, आप बुढ़े हो गए ये हो गए। Thank you.
दोस्त मेरे भाई तुझे मैं कहां-कहां नहीं ढूंढ रहा, तू ये सूट बूट में खेलने तो क्या लाइट हाउस से चक्कर लगा के आ रहे हो? मुजाहिद अपनी औकात में और तमीज से बात किया कर मुझसे। अरे क्या हो गया, मुझसे उधार मांगने वाला मेरी बिल्ली आज मुझे ही मियाओ कर रही है। ओ भाई वैसे ही कोरोना में ना गोरे बहुत मरे, ये कोट कहीं गोरे का तो नहीं पहन लिया, कोरोना हो जाएगा। आवाज नहीं, ये पकड़ अपने पैसे 10,000 है पूरे, मावा खा लियो और अपना उधार काट लियो, समझ गया? अरे व्हाट इज शेरी, शेरी मेरे भाई तू लगभग दीवन जा, शेरी ये तेरी गाड़ी है, शेरी चल, शेरी आज अकबर को बताते हैं कि शेरी 2% का नहीं है। नहीं जाना उस घर में, अब जाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने बंगले में जाऊंगा, समझ गया? क्या तू बंगला बनवा रहा है अपना? अरे वाह शेरी, लेकिन शेरी उस अकबर को तो बताना पड़ेगा, उसने जिस शेरी को 2% का समझ के घर से निकाला था आज वो खराब पति बन गया है। तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये होने नहीं दूंगा। हाँ शेरी आज उसको बताते बुड्ढे को, चल चल। अबे पैदल तू जाके, गाड़ी है ना अपने पास, बैठ आगे बैठ, तू मेरा दोस्त है, आज से तू मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा, बैठ गया। इसका मतलब टूटो मत, चल शेरी चल। हाँ लो पहले शेरी गायब हो गया, उसके बाद मुजाहिद को भेजा तो मुजाहिद जाके गायब हो गया। लो फोन आ रहा है, ये किसका नंबर है भाई? हेलो कौन बात कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ यार। मैं कौन, बकरी के बच्चे हो क्या, नाम होगा तुम्हारा कोई? अरे अशमत भाई मुजाहिद बोल रहा हूँ। मुजाहिद ये किस नंबर से कॉल कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें शेरी को ढूंढने के लिए भेजा था। अरे शेरी को गोली मारो यार। एक बार शेरी को ले आओ गोली, क्या पूरा ब्रश मारेंगे हम उसे। अरे शेरी को छोड़ो, पार्टी मिली है। नहीं नहीं ये टाइम ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों से मिलने का, बिल्कुल बेटा साइड का रास्ता पढ़ो और निकलो वहाँ से। अरे हाशमत भाई पॉलिटिकल वो सियासी पार्टी नहीं है, नोट वाली पार्टी है। नोट वाली पार्टी, तुम जैसे भिखारी को कहाँ मिल गई? अच्छा ठीक है भाई, कहीं और ले जाता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं मुजाहिद तुम तो नाराज हो गए बेटा, यही ले आओ यही ले आओ, हमसे अच्छी पार्टी कहाँ मिलेगी तुम्हें। बस आप तैयारी करो अशमत भाई, मैं लेके आ रहा हूँ। बेटा बारात लेके आ रहा हूँ, जो तैयारी करनी है हमने। अरे अशमत भाई शीशे में उतारना है, मैं बोल रहा हूँ उसको। हाँ 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 उतार लेंगे भाई, शीशे में क्या उतारेंगे, उसे तो हम खबर में उतार देंगे, तुम टेंशन नहीं लो, ले आओ उसको। लारो लारो अशमत भाई, अशमत भाई की गुटकी गेम बच जाएगी। हाँ भाई रेडियो। हाँ पापा मुझे पता है सब, मुझे क्या करना है, क्या करना है? इस बाजार में फूल मत डालो, अभी जो बीमार आएगा उसमें फूल डालना, कोई बताना क्या करना है? जी पापा मुझे भी पता है, मुझे भी। वेरी गुड। अरे कौन आ रहा है, कोई बताए तो सही। अरे अशु इतना सस्पेंस फैला दिया बिला वजह का, अल्लाह करे अच्छा सरप्राइज हो बस। अरे अच्छा सरप्राइज ही होगा, अपनी जमाने तो बंदर को पटर पटर चलती है कैंची की तरह। अरे क्या कर रहे हो मुजाहिद, भाई इसमें क्या फूल जाए, उसको देखो जरा। ओ शाहरुख की लाची दाओ, डाल ले जरा अस्पताल। भाई भाई नहीं गाय हो जाएगी, आप भी पार्टी का है। अरे ये रेडी है ना सब? हां सब रेडी है, पार्टी आ गई। क्या आओ चलिए करो, चलिए करो, जैसी पार्टी आएगी आप तीनों ने खड़े होकर बोलना है वेलकम। हमने करेंगे। अच्छा अच्छा नहीं करना, हम लोग कर लेंगे ठीक है। अरे चेक तो कर लो, कहेंगे पप्पू डकैत की तरह डुप्लीकेट तो नहीं है? हां रुकैया पा, जिंदगी में पहली बार तुमने अच्छा आइडिया दिया। हाँ भाई शहरी तो नहीं हो ना तुम? अबे बुड्ढे मैं शहरी ही हूँ। और कर लो चेक, करा लो बेसर। अरे भाई ये बताइए ठाट बाट कहाँ से आए? ओ बस सुल्तान बस, अब कोई शेरी अंगला कंगला नहीं है, लैंडलॉर्ड हो गया, लखपति हो गया, शेरी शेरी साहब बोल। रोज अपनी बीवी के लिए कुछ ऑर्डर करना है तो कर दो। बीवी लैंड क्रूजर फरारी। फरारी? हाँ फरारी पसंद करेगी ना, माँ भी फरार हुई थी, खुद ने भी फरार होके शादी की। बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, क्या माँ बहनों की इज्जत हो रही है। ओ भाई बस करो, फरारी फरारी छोड़ो, पिज्जा ऑर्डर कर दो बस। पैसे आए लेकिन इतने पैसे नहीं आए उसके पास अभी। मुजाहिद गिफ्ट, ये आपके लिए गिफ्ट। हाँ मुझे भी ये आपके लिए, ये आपके लिए। हाँ थैंक यू ये मैं बांट रहा हूँ ना, ये आप देखे। मेरा कहाँ है ये? आप ये डब्बे खाली करके दे देगी आप। अच्छा तो तुम ये तोहफे देके इन सबको खरीदना चाहते हो? हाँ मैं इन सबको गिफ्ट देके खरीदना चाहता हूँ। मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। मैं भी लेकिन इसकी एक कीमत है। देखा तोहफों की कीमत ले रहा है, बताओ जरा ये कोई तोहफे थोड़ी हुए। अच्छा भाई बता दो क्या कीमत है? माइनस हशमत पागल हो गए हो, ये लोग मेरा बगैर नहीं रह सकते, फिरोज मेरा बड़ा बेटा है मुझे बहुत मिस करेगा, और फिरोज ये तो मेरा वलिया है। भैया ये तो रात में तीन तीन चार चार बार उठ के देखती है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। भैया मेरे बगैर तुम नहीं रह सकती ना? अब रह लूंगी।
पापा जब चिड़िया के बच्चे छोटे होते ना तब उन्हें छत की जरूरत होती है, अब हम बड़े हो गए अब हमको आपकी जरूरत नहीं, जाइए जाइए। मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं, इता, 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 जाओ, जाओ, जाओ। इतना बड़ा घर है उसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा है सुल्तान, बताओ ना तुम। हाँ तो आप करते क्या है? हशमत 30 सेकंड के अंदर घर से बाहर होना चाहिए। बाबा यार निकल यार, 30 सेकंड बहुत कम होता है यार। निकल यार, जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, जा रहा हूँ मैं। बेटा सामान उठा लो, सामान अपना। नहीं नहीं नहीं, आप कोई सामान नहीं उठा सकते, आपने खुद इसको जान दी थी सामान उठाने की। एक बार चला मुझे अकेले मिलो घर से बाहर, और सफर की दुआ पढ़ के निकलना बेटा। ले लो अपना सामान। मुझे लग रहा है आपके अंदर एक अच्छा इंसान आज भी जिंदा, आज भी जिंदा। मैं ले आता। अरे मैं भी जाऊँ। ये सूट कोट, ये ठाट बाट, अब तो आप शेर के जाने माने अमीरों में से लग रहे हैं। बैठे बैठे कुछ खाएंगे? खाना लिया खाने में क्या है? खाने में कुत्ते का गोश्त पका। मुझे मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा, बता रहा हूँ। जिंगर जिंगर बर्गर पिज्जा क्या खाएंगे? मैं ये कहना चाह रहा था, मैं सिखा दूंगा। हजार दफा बोला है कि बगैर धोए बगैर इस्त्री किए कपड़े हैंगर में मत लाया करो, लेकिन नहीं अपनी मर्जी चलानी होती। भैया ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मेरी तस्वीरें बैठ के हाथ फेर रही हैं, इतनी मोहब्बत होती तो मुझे रोक लेती तुम। अरे हशु मैं तो ये सोच रही थी आपके जाने के बाद ना इसे ड्राइंग रूम में लगाऊंगी और रोज फूलों के हार चढ़ाऊंगी। मना नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ मैं, उनके हार चढ़ाऊंगी, बताओ जरा। और ये क्या, ये सुल्तान के कपड़े क्यों रख रहा हो? ये रख रहा हूँ कि बाहर सर्दी हो रही है, मौसम बदल रहा है, शोहर बाजार सर्दी में मरेगा उसकी परवाह नहीं है, सुल्तान की परवाह है इसको। और वो जो परेशान होगा? अरे होने तो परेशान, मेरी बला से। अरे ये तो उस्मा का शैम्पू है। उस्मा को शैम्पू की क्या जरूरत है, वैसे ही उसके बाल गिर रहे हैं, कुछ अरसे में गंजी हो जाएगी वो। तुमने क्या होटल वोटल बुक करवा लिए जो शैम्पू कंडीशनर? अरे ये मेरा कंडीशनर है, क्या कर रहे हो, मेरे बाल बहुत खराब हो रहे हैं। तुमने जैसे बाल हैं उसमें कंडीशनर लगाएंगी, इन बालों से बर्तन धोया करो, चमक जाएंगे बर्तन। अरे मैंने जब भी तो लिए नलों के नीचे बैठ के नहाओगे, शैम्पू कंडीशनर साफ रख के जा रहे हो। दिमाग नहीं खराब करो मेरा, रुकिए वरना उठा के मार दूंगा तुम्हारे सर पे। वो कंडीशनर क्यों पड़ा? आए हाय फिरोज मेरा बच्चा सुबह से ढूंढ रहा, लाओ ये तो। उसकी परवाह नहीं, मेरी परवाह नहीं है, फिरोज मेरा बच्चा। अरे ये तो बिस्मा का है, क्या जुलुम कर रहे हो, सर पे पूरा घर खड़ा कर देगी वो। बहरोज फिरोज सुल्तान सबकी परवाह है, बस परवाह नहीं है तो मेरी परवाह नहीं है तुम्हें। और ये बताओ ये सब चीजें तुम्हारी अलमारी में क्या कर रही हैं? मैं इस्तेमाल करने के लिए लेकर आया था, बाद में वापस करना भूल गया था बस। अरे हशु सारी बातों का जवाब है तुम्हारे पास तो। ये है हमारे पास जवाब, क्योंकि हम जहीन आदमी है, सारी बातों का जवाब है। जब ही घर से बेघर हो रहे हो मेरे साथ जरा जबान नहीं चलाना, मुँह अच्छा नहीं हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। दो इधर मेरी तस्वीर, नहीं 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 दो मरो इसलिए तस्वीर लेकर। नहीं 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 तस्वीर नहीं देंगी हमारी। अरे पापा कहाँ आ रहे हैं, जल्दी आ जाए यार। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आ जाए भाई सुल्तान, बस बेटा मेरे बाद तुम ही बुजुर्ग हो इस घर में। बुजुर्ग? हाँ मेरा मतलब है कि उम्र में बड़े हो ना तुम। अरे उम्र में तो रुकैया खाना पड़ी है। अरे मर्दों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ वो तो ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बेटा मेरे बाद सारी जिम्मेदारी तुम पर है, संभाल लेना बेटा, सबका ख्याल रखना। चलो तुम मेरे बड़े बेटे हो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा की बेटा, मुझे हो सके तो माफ कर देना बेटा। कभी माफ नहीं करूंगा, आपकी वजह से मुझे छोड़ के मैं चली गई है, जा यहां से आप। फिरोज तुम तो मेरे वली है तो बेटा, तुम मेरे बारे में कभी बुरा ख्याल मत करना दिल में बेटा, प्लीज बेटा कभी नहीं। आप मुझे माफ करना, बड़ी जवानी तक जा रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता आपके लिए, चाहिए जाइए इससे पहले। मैं माफ भी करूंगा और याद भी रखूंगा। शेरी तुमसे क्या माफी मांगू बेटा, तुम्हारा तो दिल मैंने इतना तोड़ा है कि मैं माफी के काबिल भी नहीं रहा, मैं क्या कह सकता, खुदा हाफिज तो कह ही सकता। बैग की तलाशी, लेकिन क्यों? ये बैग तो मेरा, मेरा। बेटा, बाप तुम्हारा बैग मांग के नहीं ले जा सकता। पापा मांगने अलग होता है, ये तो गिफ्ट चोरी करके लेके जा रहे हैं। बेटा तो मैं आप मांग लेता हूँ, बेटा बैग मुझे दे दो बेटा। पापा ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकता, ये तो मेरी बेबी के प्यार की निशानी, आपको पता है उसने मुझे खुद खरीद के लाइट हाउस से दिया था। इतनी लंबी क्यों कर रहे हो यार, तलाशी लो। तलाशी तलाशी लेने वाली क्या चीज है इसमें, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है तलाशी लेने वाली। ये तो मेरी शर्ट है। आपसे गलती होगी, मुझे यहाँ का बैग नहीं है, आप कभी पढ़े अभी लेके आता हूँ, अभी लेके आता हूँ। मैंने मैंने खुद सामान पैक किया था, ये मेरा ही बैग है। गलती हुई है आपसे, मैंने मैंने खुद अपने हाथों से एक एक चीज जोड़ के रखी थी। अरे बाहर में कैसे? पापा ये है आपका असल सामान, इसमें क्या है? इसमें आपकी जरूरत है जिंदगी का तमाम सामान मौजूद है। क्या क्या सामान है? पापा दो जोड़ी कपड़े, एक रुमाल है, एक धोई का, एक पेनी का, एक धोई का, एक पेनी का, एक धोई का, एक पेनी का, एक ढोंगा, एक पेनी का, एक ढोंगा, एक पेनी का।
धोऊंगा एक पहनूंगा। या अल्लाह खैर करना, मुझे तो लगता है ये बूढ़ा अब जी नहीं पाएगा। चेरी फिरोज फिरोज आओ भाई, जल्दी आओ, सब लोग जल्दी आओ। कैसे इंसान आप, कैसे इंसान है आप? अभी आपको दो मरतबा हमने घर से वैसे निकाला, फिर वापस आ गए। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं किस तरह बात कर रहे हैं अपने बाप से। भाई किस तरह बात कर रहे हो तुम अपने बाप से? हाँ भाई बुड्ढे, कैसे आने हुआ कैसे? पर लंबी जबान हो गई इन लोगों की। अरे यार ये बताइए आप आए क्यों हैं? ये बताने के लिए आया हूँ कि जो पैसा तुम पे रुकैया और आप भैरोस पे ये लुटा रहा है ना, ये पैसा चोरी का है, डकैती का पैसा है, दो नंबर पैसा है ये। चोरी का पैसा और नहीं तो क्या।